अगेन वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बाबू नियामक हैशटैग। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यहां पर 9th 10th और 12th का CBSE NCERT बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और आज हम क्लास 10th का चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस उसमें ये थर्ड लेक्चर है हमारा। इससे पहले दो लेक्चर हम दे चुके हैं 10th के लिए, ये थर्ड लेक्चर है। तो इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में समझाया था और दो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट तो सनलाइट के था कि सनलाइट नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इनसे पहले दो लेक्चर में, और आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस का, उसमें हम आज दो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट है आपका एक्सपेरिमेंट सो द CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ये शो करना चाहता है ये एक्सपेरिमेंट कि किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की नीड होती है। अब यहाँ हम समझेंगे कि CO2 की नीड किस तरीके से होती है, क्योंकि कोई भी प्लांट जब अपना कॉम्प्लेक्स फूड बनाता है, तो फूड बनाने के लिए उसको CO2 की नीड होती है, क्योंकि जो फूड का फॉर्मूला है वो क्या है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो CO2 की नीड किस तरीके से होती है, उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, वो आज हम एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। तो हम यहाँ पे ये जो प्लांट है, एक प्लांट लेंगे और प्लांट ऐसा होगा जिसको हम अलग नहीं निकालेंगे, मतलब लिविंग कंडीशन में एक प्लांट ऐसा होगा जो लिविंग कंडीशन में होगा। सपोज दैट ये मान लो कि ये एक पोटेड प्लांट है, ये क्या है, एक पोटेड प्लांट है, मतलब ये लिविंग कंडीशन में है, ये प्लांट लिविंग कंडीशन में है। अब करेंगे क्या, हम ये एक बोटल लेंगे, बोटल में ये हम कॉर्क लगा देते हैं और इस कॉर्क में से होके इस लीफ को, आधी लीफ इस कॉर्क के अंदर रहेगी और आधी लीफ रहेगी बाहर। इस बोतल में इस कॉर्क को इस तरीके से सेट करेंगे कि ना तो बाहर से CO2 अंदर आएगी और ना ही अंदर की CO2 बाहर जाएगी। और बोतल में हम KOH लेते हैं जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब जो इस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको KOH एब्सॉर्ब कर लेगा, इस बोतल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको KOH एब्सॉर्ब कर लेगा। और जब ये सनलाइट में, ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है सनलाइट में होगा, ये प्लांट सनलाइट में है तो सनलाइट तो मिलेगी प्लांट को, क्योंकि बोतल ट्रांसपेरेंट है, सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा ही, मिनरल भी मिलेंगे। ओनली इस वाले पार्ट को, जो पार्ट बोतल के अंदर है उसको CO2 नहीं मिलेगी, क्यों कि जो बोतल के अंदर CO2 है उसे तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब कर लेगा। अब इस पार्ट में CO2 नहीं है, इस पार्ट का जो लीफ है उसको CO2 नहीं मिलेगी। तो जब CO2 नहीं मिलेगी तो इस पार्ट में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि किसी भी प्लांट का फूड होता है। अब स्टार्च फॉर्मेशन इस पार्ट में हुआ है या नहीं, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर 24 आवर और मोर देन 24 आवर इस लीफ को यहाँ से कट करके अलग निकाल लेंगे। ये आई आपकी लीफ और इस लीफ, ये कंडीशन क्या है, इस लीफ को हम एल्कोहल में बॉयल करते हैं, जो एल्कोहल होता है ना उसमें इस लीफ को बॉयल करते हैं तो ये लीफ कलरलेस हो जाती है, पूरी लीफ कलरलेस हो जाएगी, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो एल्कोहल में सोलिबल होता है। तो इस वाली पूरी लीफ को निकालने के बाद जब हम एल्कोहल में बॉयल करते हैं तो सारा क्लोरोफिल एल्कोहल में सोलिबल हो जाता है और लीफ हो जाती है कलरलेस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली लीफ कलरलेस है, जैसे कि लिखा है क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन द एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में जब बॉइल करते हैं तो क्लोरोफिल निकल जाता है और लीफ हो जाती है आपकी कलरलेस। जब ये लीफ कलरलेस हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो पार्ट बोतल के अंदर था उसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसके लिए जो कलरलेस लीफ थी उसको हम अलग निकाल लेंगे, ये आपकी कलरलेस लीफ है, और इस पर हम प्योर आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब लीफ पर
प्योर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप यहाँ डालेंगे, तो जो पार्ट लीफ का बोतल से बाहर था, ये वाला पार्ट जो बाहर था, इसको तो CO2 मिलेगी ना, और अंदर वाले पार्ट को CO2 नहीं मिलेगी। तो जिस पार्ट को CO2 मिलेगी उसमें तो स्टार्च फॉर्मेशन होगा, फूड बनेगा, और जो पार्ट अंदर था उसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि वहां पर CO2 नहीं थी। अब जब हम यहाँ पे आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं, तो आयोडीन की ड्रॉप डालने पर वो वाला पार्ट ब्लू ब्लैक होगा जिसमें स्टार्च बना था। जैसे ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसमें स्टार्च बना था क्योंकि यहाँ तो CO2 मिल रही थी, तो इसमें तो स्टार्च बनेगा। तो जिस पार्ट में स्टार्च बना था वो तो हो गया ब्लू ब्लैक आयोडीन से, और जिसमें स्टार्च नहीं बना था वो आपका अनअफेक्टेड रहता है। जैसे कि ये है आपका टर्न ब्लू ब्लैक, स्टार्च प्रेजेंट, यहाँ स्टार्च प्रेजेंट था क्योंकि यहाँ तो लाइट भी मिल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, वाटर सब कुछ मिल रहा था, यहाँ तो फूड बना, तो ये तो ब्लू ब्लैक हो गया। लेकिन इस पार्ट में CO2 नहीं है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट ही क्या कर रहे हैं कि CO2 की नीड होती है। अब CO2 नहीं है तो यहाँ पे क्या है, फूड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये आपका ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हमारा ये शो करता है कि कोई भी प्लांट को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ना दें तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता और फूड फॉर्मेशन नहीं होता, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से समझा। उसके बाद प्लांट के लिए कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जिसका यूटिलाइज करके कोई भी प्लांट अपना फूड बनाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लो ये CO2 की नीड होती है, ये तो हमने क्या है यहाँ पे ये CO2 की नीड होती है समझ लिया, लेकिन ये CO2 प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कोई भी प्लांट CO2 को किस तरीके से इंटेक करता है वो यहाँ पे हम समझेंगे। देखिये ये मोस्टली क्या है, ये मोस्टली लीफ में बहुत छोटे छोटे टिनी पोर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द टिनी पोर प्रेजेंट द सरफेस ऑफ लीफ अपर और लोअर, तो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं और अपर पे कम होते हैं। तो स्टोमेटा को अगर हम देखें तो ये टिनी पोर होते हैं, जैसे ये दिखाया गया है इसमें, ये क्या है स्टोमेटा है मोस्टली, और ये बीच वाला पार्ट है स्टोमा। तो हम ये पहले कंडीशन समझते हैं, जैसे ओपन स्टोमेटा, ये कंडीशन ये शो कर रही है कि स्टोमेटा ओपन है क्योंकि डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं और इनके द्वारा ही ये प्लांट जो है CO2 को इंटेक करते हैं। अब ये होता क्यों है, जैसे ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, ये वाला पार्ट इसका स्टोमेटा का ये क्लोरोप्लास्ट है, बीच वाला पार्ट आपका स्टोमा है, ये लीफ की सरफेस है और ये क्या है गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल हैं और बीच का पोर्शन होता है स्टोमा। जब दिन के टाइम में डे टाइम में जब ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है तब ये सेल, इन सेल में क्या होता है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन से ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और जो गार्ड सेल हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती है, और उस वजह से ये स्टोमेटा डे टाइम में ओपन हो जाते हैं, और डे टाइम में ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमा के द्वारा प्लांट क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक अनदर कंडीशन देखें कि क्लोज, मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं नाइट टाइम में, फोटोसिंथेसिस ना के बराबर होती है लेकिन रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो क्लोज स्टोमेटा है, अब ये कंडीशन क्लोज बताई कि स्टोमेटा क्लोज हो गए क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी नाइट टाइम में ये क्लोज है तो CO2 तो नहीं निकलेगी इसमें, क्योंकि ये CO2 को जो इंटेक कर रहे हैं स्टोमेटा के द्वारा कर रहे हैं, तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस हो जाती है कम और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन की प्लांटों को नीड होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि नाइट के समय में प्लांटों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो CO2 रिलीज करते हैं। तो हमने ये समझा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट किस तरीके से इंटेक करते हैं, तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, लीफ में बहुत छोटे छोटे टिनी पोर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, वो डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट टाइम में क्लोज होते हैं। किसी भी स्टोमेटा का देखें तो गार्ड सेल होती हैं, स्टोमा होता है और आपका ये लीफ सरफेस, अब यहाँ CO2 इंटेक होगी अंदर जाएगी लेकिन नाइट टाइम में ये क्लोज है, तो नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम कि एक रॉ मटेरियल वाटर भी है, कोई भी प्लांट
जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसे CO2 के साथ साथ वाटर की भी नीड होती है। अब जैसा कि आपको पता है कि वाटर कोई भी प्लांट रूट के द्वारा इनटेक करता है, जो रूट होती हैं, रूट के द्वारा वाटर मिनरल इनटेक करता है फ्रॉम द सोइल, मतलब जो मिट्टी होती है जिसमें प्लांट की रूट होती है, तो रूट के द्वारा वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और वाटर का जो डायरेक्शन होता है मोस्टली वो अपवर्ड होता है, मतलब वाटर का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड होता है। मतलब अगर मान लो ये आपकी रूट है तो अपवर्ड होगा कहां पर, स्टेम पार्ट में, और उसके बाद आपकी जैसे लीफ है, लीफ फ्रूट भी होते हैं फ्रूट, तो ये अपवर्ड होगा। अब ये वाटर अपवर्ड किस तरीके से हो रहा है, कि कौन सी वो सेल है जिनके द्वारा वाटर अपवर्ड होता है, तो यहां हम देख सकते हैं प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाई रूट ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड थ्रू द जाइलम बेसल। प्लांट में क्या होती है, जाइलम बेसल होती है जिसके द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और ये मोस्टली जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस भी होती है। ऑस्मोसिस मोस्टली क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग किसी भी लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होना, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे एक तो होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव होता है पैसिव। तो मोस्टली जो प्लांट होते हैं, जो मोस्टली प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो पैसिव वे में करते हैं, क्योंकि एक्टिव के लिए किसी भी प्लांट को एनर्जी की नीड होती है, ATP का नीड होती है। कोई भी प्लांट जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स इस पे डिस्कस करेंगे कि जो NCERT बोर्ड में जो 10th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने एक्सपेरिमेंट कराए, जैसे आप 4 एक्सपेरिमेंट हो गए, इनमें से 1 क्वेश्चन 100% आपके NCERT बोर्ड में आता है। अब यहाँ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। मोस्टली क्या है कि क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछेंगे, जैसे CO2 की नीड, इस एक्सपेरिमेंट में से वो ये पूछते हैं कि बोतल के अंदर जो केमिकल था वो क्या था, बोतल के अंदर जो केमिकल था उसका नेम पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे कि CO2 नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बोतल के अंदर जो कोई केमिकल लिया था उसका नेम क्या है, तो आंसर क्या होगा उसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमने KOH को बोतल के अंदर लिया था। अब एक अनदर क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर KOH करता क्या है, KOH का वर्क क्या है। तो यहां हम देखेंगे KOH का वर्क क्या है, मोस्टली जो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, मतलब सोखना। तो KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक अनदर क्वेश्चन आएगा कि जब हम ये प्रूफ करते हैं कि फूड फॉर्मेशन के लिए CO2 की नीड होती है, तो लीफ को प्लांट से रिमूव करने के बाद, जैसे लीफ को प्लांट से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट में हम केमिकल यूज करते हैं वो केमिकल क्या है, तो मोस्टली आंसर क्या आएगा, आयोडीन सॉल्यूशन है जो कि स्टार्च को ब्लू ब्लैक कर देता है। तो लीफ को रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है कि आयोडीन के द्वारा उस लीफ का एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि एल्कोहल में लीफ कलरलेस हो जाती है। तो कलरलेस होने से हमें ये नहीं पता लगता कि किस प्लांट किस पार्ट में स्टार्च बना है किस पार्ट में नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे देखो लीफ सिंपल है, यहाँ हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि कहाँ स्टार्च बना है कहाँ नहीं। तो स्टार्च किस पार्ट में बना है उसका आइडेंटिफिकेशन हमें आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि हम किस केमिकल का यूज करते हैं जिससे स्टार्च ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो क्या है आपका, आयोडीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई भी प्लांट गैसों का एक्सचेंज कैसे करता है, जैसे मान लो CO2 तो अंदर आ गई तो ऑक्सीजन बाहर भी तो जाएगी भाई, ऑक्सीजन निकालते हैं प्लांट। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि प्लांट गैसों का एक्सचेंज किसके द्वारा करते हैं, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा कि प्लांट में जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, आइदर लीफ आइदर स्टेम, तो उसमें टिनी पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो कोई भी प्लांट जो अपनी गैसों का एक्सचेंज करता है वो किसके थ्रू करता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि कोई भी प्लांट गैसों का एक्सचेंज किसके द्वारा करेगा, स्टोमेटा के द्वारा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट टाइम में क्लोज होते हैं, क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे डे टाइम में ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा
तो जो गार्ड सेल होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा स्वेलिंग हो जाती है, मतलब जो लिक्विड होता है उसको एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेल होने की वजह से जो स्ट्रोमा पार्ट है वो ओपन हो जाता है। तो डे टाइम में क्या है, ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज बनने की वजह से जो सेल में जो गार्ड सेल होती है उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से ये क्या हो जाता है, स्वेल हो जाती है, ये ओपन हो जाता है। अब नाइट टाइम में क्लोज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नाइट टाइम में ग्लूकोज तो बनेगा नहीं, सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट की वजह से ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा। जब ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा तो डे टाइम में जो ग्लूकोज जो ऑस्मोसिस के द्वारा जो सेल आपकी स्वेल हो गई थी उनका जो लिक्विड है वो गार्ड सेल से निकल के नियरेस्ट सेल में पहुंच जाता है, और गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्टिल हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब अनदर क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी प्लांट वाटर को कैसे इंटेक करता है, मतलब किस तरीके से वाटर को अपने अंदर इंटेक करता है, तो मोस्टली हम ध्यान रखेंगे कि जो जाइलम बेसल होती हैं, ठीक है, जाइलम बेसल। अब देखिए जाइलम बेसल ये यहां लिखा हुआ है, जाइलम बेसल के थ्रू कोई भी प्लांट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब लेकिन प्लांट वाटर को मोस्टली एब्सॉर्ब कहां से कर रहा है, तो जो हमारे रूट पार्ट होती है प्लांट में क्या होती है, रूट होती है, और रूट हेयर, रूट में क्या होंगे, रूट हेयर। अब रूट हेयर से वाटर एब्सॉर्ब होगा, और एब्सॉर्ब होने के बाद कहां पहुंचेगा, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कहां पहुंचेगा, फिर कॉर्टेक्स, ठीक, और कॉर्टेक्स के बाद जैसे कॉर्टेक्स में आ गया, अब कॉर्टेक्स के बाद कहां पे आएगा आपका, एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में से आएगा फिर आपका जाइलम, और जाइलम से फिर अपवर्ड हो जाता है अपर पार्ट में जो स्टेम पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से वाटर का फ्लो हमने बताया, वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से वर्क है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और ये हमने डिस्कस किया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे, और फ्रेंड्स चैनल को पूरा देखें, जो भी हमारा लेक्चर है उसको पूरा देखें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे का जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको टाइम से तभी मिल सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेगुलर क्लास के द्वारा कुछ हेल्प करने की कोशिश की जा रही है आपको, और इसको आप रेगुलरली लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बाबूद्दीन अहमद हैशटैग।